بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولأنة الله على آدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن الله أتقاكم إن الله عليم خبير أين हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के ज़रिए से पैदा किया और हमने तुम्हें कौमों और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और अहतराम वाला वो है कि जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है बेशक अल्लाह खूब जानने वाला और ख़ूब ख़बर रखने वाला है जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त सारी दुनिया में हकूक़ नस्वा या योम खवीन का शोर हो रहा है तो पहले मरहले में हम तो दिलाएँ कि खवतन के हकूक़ हैं और इसमें भी शक नहीं कि उनके हकूक़ पामाल भी हो रहे हैं पाकिस्तान में एक मार्च हो रही है कि जो खवीन निकाल रही हैं और उस मार्च का नाम है औरत मार्च और उसका एक नारा मशहूर है मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी तो सबसे पहले मैं इस जानेब तवज्जो दिलाएं कि कोई शक नहीं कि ख़ोतिन के, के हकूक़ पामाल हो रहे हैं इंडिया पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड में भी और जिन ममालिक को मॉडर्न और तरक्की याफ़्ता कहा जाता है चाहे वो यूरोप के हों या वो अमेरिका के हों तो वहाँ पर भी अभी भी ख़ातिन के हकूक़ पामाल हो रहे हैं और खवीन पर अब भी जुल्म हो रहा है लेकिन जुल्म का तरीक़ा अलग है अब हम ये बताते चलें कि खवतिन के जिस्म पे कपड़े कम अगर हो जाएं, तो वह तरक्की की अलामत नहीं है असल तरक्की खवीन की इल्म है शुरू है इकतसादी माशरे इकतसदी अदबार से तरक्की करें सियासी अदबार से तरक्की करें पहले मरल में हम इस जानब तो दिलाएँ कि इंसान अपना हक़ मांगे लेकिन हक़ मांगे बहुत ही डिसेंट तरीके से जिस माशरे में वह रहता हो और जिस दिन का भी वो फॉलोवर हो और हर दिन में और हर माशरे में कुछ अखलाकियात हैं और खसूस कुछ अकदार हैंफ़त और पाकदामनी की और जो भी इंसान हक़ तलब करे मॉडस्टी को मद्दे नजर रखते हुए करे ये शर्त फ़त ख़ के लिए नहीं है मर्द भी अगर फ़र्ज करें कि नौकरियों की डिमांड कर रहे हों और अपना जिसम पूरा जाहिर कर दें एहतन तो कहा जाएगा कि ये एहतजाज आपको जलील कर रहा है आपको हक नहीं दिलवा रहा और आप पर जुल्म करने वालों को और आप पर हंसने का मौका दे रहा है और आप पर म करने वाले मज और मजीद मजबूत हो रहे हैं लिहाजा खवतिन से गुजारिश है कि बिलाशक जितने भी इंसान हैं वो सब हमारे बहन भाई हैं तो हम उन्हें बताएं कि ऐसे नारे ना लगाएं कि जिससे खुद आपकी शख्सियत भी खराब हो और जिसके बाद खुद आप भी डिवाइड हो जाएं और आपको आपके हक न मिल सके लिहाजा बेहतरीन नारा लगाया जा सकता है इस नारे के बरक्स कि मेरा जिसम मेरी मर्जी आप नारा लगाएं मेरी हयात मेरा इख्तियार मेरा शूर मेरा इंतहा बस एक भी पोस्टर एक भी बैनर किसी भी जलसे और जुलूस में ये मसला खुवा का नहीं है अगर उनकी शान के मुताबिक ना हो मॉडस्टी के मुताबिक ना हो उस माशरे के कल्चर के मुताबिक ना हो क्योंकि हर दिन और हर माशरे में कोई ना कोई मैार है अखलाकियात का और इफ़त और पागदामनी का और मॉडस्टी का हर माशरे में चाहे वो कोई भी माशरा हो तो जिस माशरे में भी इंसान रहता हो जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करता है इसी तरह से इन चीज़ों का भी ख्याल करना चाहिए कि कौन सा नारा लगाया जाए कौन सा नारा ना लगाया जाए अब हम बताते चलें कि इस्लाम में ख़वान के हकूक़ और हकूक़ के लिए सिर्फ़ इतना ही बता दें कि रसूल अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा सलाम के लिए फ़रमाते थे कि ये अपने बाप की भी माँ है और जब वो तशरीफ़ लाती थी तो खड़े होते थे और ना फकत खड़े होते थे बल्कि तेज़ी से उनकी जानब बढ़ते थे और उनको गले लगाते थे और पहले उनका हाथ चूमते थे फिर उनके हाथ पकड़ के करीब अपने लाते थे और जहाँ पर बैठे होते थे वहाँ पर बिठाते थे और बाद जगह बयान हुआ कि जगह को उनके लिए तैयार करते थे कि यहाँ आके बैठो और जिस वक्त वो बैठती थी मुस्तकिल उनको देखते थे और उनको अपने गले लगाते थे और एहतराम करते थे अब ये एहतराम उस माशरे में हो रहा था कि जहाँ पर बच्चियों को कत्ल किया जा रहा था आज भी बच्चियों को कत्ल किया जा रहा है चाइना में भी कत्ल किया जा रहा है और वो ममालिक जिनको मतमदिन कहा जाता है वहाँ भी कत्ल किया जा रहा है पाकिस्तान में इस वक्त खवतानी चालीस से पचास लाख कम हैं मर्दों से और इसकी वजह ये है कि एक बड़ी तादाद में उन बच्चियों को कि जो अभी शिकम मदर में होती हैं उन्हें ज़ाया कर दिया जाता है सिर्फ़ एक जुर्म की वजह से कि वो लड़कियाँ हैं अब यहाँ पर जाहिर है कि बाप की भी ग़लती है माँ की भी ग़लती है लेकिन सबसे ज़्यादा ख़ुद माशरे की गलती है कि जिस माशरे में ख़ीन के लिए मुश्किल हों लेकिन इन मुश्किल का हल ये है कि खातिन को शूर दिया जाए इल्म दिया जाए ऐतमाद दिया जाए अहतराम दिया जाए अब अगर दुनिया पर नज़र डालें तो मिसाल दें कि आज के दौर में कि जब उमूा बहुत सारी जगह पर ख़वान को वोट डालने की इजाज़त नहीं थी लेकिन हम देखते हैं कि इमाम हमे ने ख़ी को उस ज़माने में भी बड़े बड़े अहदे दिए इसी तरह से बाद में आग खामनाई ने या आज के मराजे में से एक मर्जे हैं आयतल मकार में शराजी उन्होंने अपने फतवे में एक जगह ज़िक्र किया है कि खवतीन शहर की बगैर इजाज़त वोट डालने जा सकती हैं क्योंकि खातिन का रहना सियासत में ज़रूरी है अलबत् जाहिर है कि अखल शूर के साथ एक अच्छे फ़र्द को वोट देने के लिए और इसी तरह से आगा सिस्तानी ने इराक़ में खातन के लिए वाज फ़रमाया कि इनको वजारतें भी दी जा सकती हैं लेकिन आज के दौर में बड़े उल्मा और मराजे में से एक कि जिनके बारे में कहा जा सकता है कि आठ दस बड़े उल्मा और मराजे में से एक और वो भी उनमें से कि जो तीन चार सफ़े अब्बल आलम हज़रत में से एक हैं और वो हैं हज़रत आयतमा इसज जब उनसे सवाल किया गया खुवान के बारे में तो उन्होंने फरमाया कि मेरे नज़दीक मर्दों में और ख़वान में इस एबार से कोई फ़र्क़ नहीं है कि खात मर्ज तकलीद भी बन सकती हैं इस्लामी अदालत में काज़ी भी बन सकती हैं और किसी मुल्क की सरबरा और वज़ी अज़म भी बन सकती हैं शर्त यही है कि जो मर्दों में है कि पाक और पाकिज़ा हों और जिस अहदे के लिए उनको मंतख किया गया है उस अहदे को वो अच्छी तरीके से अंजाम दे सकें अगर उनके पास इलमियत है तो इस एतबार से वो वाज फ़रमाते हैं कि मेरे नज़दीक इन चीज़ों में मर्दों और औरतों में कोई फ़र्क नहीं है अब हम देखते हैं कि बास खवातीन ने दीन के नाम पे ये नारा लगाया मुझे घर की मलका बनना पसंद तुझे गली की कुतिया बनना पसंद तो यहाँ पर यह इंप्रेशन पड़ता है जैसे खवातीन अगर बाहर निकलें तो वो कुतिया बन जाएंगी तो ये बिल्कुल एक ग़लत नज़रिया है यहाँ पे ये कहना चाहिए कि खवातीन को पूरा पूरा हक़ है कि काम करें घर से भी बाहर निकलें लेकिन अपने एहतराम के साथ जिस माशरे में भी रहती हैं उस माशरे के एहतराम को मद्द नज़र रखें अब यहाँ पर हम बताते चलें कि खातिन पर खूस गाँव देहात में बड़ा जुल्म हो रहा है और बाज़ मवार हम बताएँगे लेकिन ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज इस जबान में करें कि ख़ुद मज़ीद आप पर हमले न हों और आप लोग देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में मर्द भी और ख़वान भी इन नारों की वजह से हकूक़ नस्वा को पामाल कर रहे हैं यानी असल जो मौजू है खावीन की मजलूमियत का वो इस्क्रीन इस से हट गया है और फजूल कस्म की चीज़ें सामने आ गई हैं पर सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि खवतिन को एजुकेट किया जाए जिस दिन और जिस मजहब और जिस माशरे में हैं उसके एतबार से उनको बताया जाए कि अपना अहतराम करो और कराओ और मर्दों के लिए खेल ना बनो मर्दों के लिए तफरी का सबब न बनो ये तरक्की नहीं है कि मर्दों के ब्लेड के लिए या मर्दों के आ, बालों को साफ़ करने की क्रीम के लिए ख़ातीन अपने जिस्म की नुमाइश करें या मर्दों की तफरी के लिए गंदी फिल्मों में काम करें ये खवतिन की अजमत नहीं है खवीन की अजमत यह है कि तमाम इंसान उनसे पैदा हुए हैं खवतान की अजमत यह है कि हर मर्द उनसे पैदा हुआ है खवीन की अजमत सिर्फ ये नहीं बल्कि हर नबी उनसे पैदा हुआ है बल्कि हर नबी की जन्नत खातान के कदमों में है अपनी माँ के कदमों में है खातें हैं कि जिन पर दार मदार है हर निज़ाम का खवीन हैं कि जिन पर दारोमदार है हर इल्म का बस खातानी की आज़ादी इन बेहूद नारों में नहीं है दुनिया भर में खूस देहातों में खातन को मॉरली बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है लिहाजा उनको बागी नहीं बल्कि उनको एतमाद दिलाना चाहिए ख़ुद एतमाद बनाना चाहिए इसी तरीके से बहुत सारी खवतियाँ हैं कि जो नफ्सियाती मुश्किल में गिरफ़्तार हैं उन्हें इंसान पैरों पर पे खड़ा करे इसी तरह से खातन कफ़ील ना होने के बाद दर बदर की ठोकरें खाती हैं उनको इल्म दें और जो इल्म ना हासिल कर सकें उन्हें हुनर सिखाएं लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारी खवतान के जो वुमेन राइट एसोसिएशन के नाम पर काम करती हैं लेकिन जब वो इंडस्ट्रियल होम खोलती हैं तो क्या वाकन वो एक जालिम बिज़नेस नहीं बन जाती क्या उनमें इतना शूर है और इतना ज़रफ़ है कि वो खुतन के लिए कोई कारखाना खोलें और ख़वान वर्कर को उसमें शेयर होल्डर बनाएँ हंड्रेड परसेंट नहीं फिफ्टी परसेंट का उनको हक दें और बाकी फिफ्टी परसेंट से उनके लिए कारखाने बनाएं और दीगर खवतिन को ही हकूक दें क्या पाकिस्तान की किसी भी खातून ने खातान की फलाह बहबूद के लिए इस तरह से काम किया है मुमकिन है किया हो लेकिन इससे बढ़कर करना होगा सिर्फ ऐसे नारों से मुश्किल हल नहीं होती गांव देहात में देखने में आया है चाहे वह इंडिया हो पाकिस्तान हो फार ईस्ट हो कि बज दफ़ा माँ बाप कहते हैं कि बेटे को पढ़ाया जाए बेटी को ना पढ़ाया जाए बेटे को अच्छा खाना दिया जाए बेटी को ना दिया जाए यही वजह है कि बस ख़वान बचपन में भी वीक होती हैं और शादी के बाद भी वीक होती हैं जिसके बाद उनको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं बज दफ़ा मर जाती हैं इसी तरीके से साइकोलॉजिकली उनको बहुत दबा दिया जाता है गिरा दिया जाता है और ख़ुद एतमादी उनकी ख़त्म कर दी जाती है इसी तरह से हम देखते हैं कि उनको हती दवाओं में और इलाज में भी जो है वो तसब का शिकार बनाया जाता है ये सब कुछ किस वजह से है कि माशरे में बेदारी नहीं है कौन सी बेदारी इल्मी बेदारी दीनी बेदारी इसी तरह से हम देखते हैं जो अहम तरीन मौजू है ख़वातीन की मीरास को छीन लिया जाता है और सबसे ज्यादा यह काम भाई करते हैं और मीरास छीनने के लिए बाद दफ़ा उनकी शादियां भी नहीं करते और बाद दफा हमने खुद पाकिस्तान के मुख्तलिफ गांव देहात में इस चीज को ऐलानन मजालस में कहा कि ख़वातीन पर बाप की विलायत है लेकिन अगर बाप भी ज़मीन और जायदाद के लिए बेटियों की शादी ना कर रहा हो और उनकी जिंदगी ज़ाया कर रहा हो तो इस कस्म के मवारद में खूस सिस्तानी का फतवा है कि ऐसे बापों की विलायत साखित हो जाती है यानी उनसे इजाजत की जरूरत नहीं है इन मफारद में और भाइयों की तो विलायत ही नहीं है लिहाजा हमने बाद जगह पाकिस्तान के गाँव देहात में खुल के कहा कि वो खवतन के जिनकी शादियां भाई नहीं होने दे रहे अगर वो घर से भागेंगी तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा कारोकारी के इल्जाम में वो ऐलानन मस्जिद में आए और ऐलान करें कि हम शादी कर रहे हैं यानी पहले किसी के लिए सोच लें उसको मस्जिद पर बुलाएं ताकि उनको कतल ना किया जा सके अब भाई चाहे कुछ भी कहे अगर ये रिश्ता सही है उसके अकल शौर के मुताबिक तो भाई की कतन अलबा किसी भी एतबार से उसकी इजाजत शर्त नहीं है बड़े अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि जब भाई मीरास मार रहे होते हैं बहनों की तो सबसे ज़्यादा जो मददगार होती हैं उन मीरास को मारने के लिए वो भाबियाँ होती हैं तो वो भी खातें हैं और ख़ुद माएँ होती हैं जो चाहती हैं कि बेटियों को ना मिले बेटों को मिल जाए वो भी खवान हैं तो मसला यहाँ पर खवीन और हजरात का नहीं है मसला यहाँ पर हकूक़ नस्वाँ से ज़्यादा बेशूरी का है, हैवानियत का है मसला यहाँ पर इंसान और हैवान का है वीन को भी मजलूम बनाया जा रहा है उन पर जुलम किया जा रहा है मर्दों पर भी, भी किया जा रहा है तो हमें सबसे पहला नारा लगाना चाहिए कि ालिम बुरा है चाहे कोई भी हो और मजलूम का हमें साथ देना है चाहे कोई भी हो कभी खवतिन ालिम हैं और मर्दों पर जुल्म करती हैं कभी मर्द ालिम हैं और खवन पर म करते हैं एक मिसाल दें शौहर के मरने के बाद बीवी सारा पैसा खर्च कर दे तो क्या वो ालिम नहीं है वो ालिम मां है क्योंकि इस्लाम और कोई भी कानून इजाजत नहीं देता कि तुम अपने बच्चों का पैसा ज़ाया कर दो बस जुल्म की भी मुख्तलफ अकसाम हैं। जुर्गों में खुवान को भीड़ बकरियों की तरह से वनी किया जाता है भाई का जुर्म होता है बेटी को पेश किया जाता है बहन को पेश किया जाता है ये ऐसा जुर्म है कि इसकी सज़ा ये होनी चाहिए कि जितने लोग जर्गे में थे जितने लोगों ने इसमें हामी भरी और जितने अफराद ख़ानदान के इस पर राज़ी थे उनको तवीलमदस सज़ा देनी चाहिए ताकि वो लड़कियों को भेड़ और बकरियों के तौर पर इस तरह से तिजारत का ज़रिया से ज़रिया और इस तरह से लेन-देन का ज़रिया ना बनाएं गैरत के नाम पे कत्ल तो हम बताते चलें कि बहुत सारी जगह पर जो कल्चर है वो गालिब है इस्लाम के नाम पर इस्लाम में कोई भी जुर्म अगर बहन कर दे आप उसे कतल नहीं कर सकते कोई भी खातून कोई जुर्म कर दे आप नहीं कत्ल कर सकते यह काम है अगर वहां पर इस्लामी हुकूमत है और इसी तरह से कहीं भी कोई भी जुर्म कर दे यह काम अदालत का है गैरत के नाम पे कत्ल खूस भाइयों को हम तोज्जो दिलाएं जब तुम पसंद की शादी करते हो तो वहां पर तुम्हें गैरत नहीं आती वो किसी की बहन नहीं है क्योंकि तुम्हारा फार्मूला अगर यह है कि पसंद की शादी नहीं होनी चाहिए तो तुम्हारी कैसे हुई और अगर पसंद की शादी हो सकती है तो बहन की भी हो सकती है लेकिन पसंद की शादी को भी अखलाकी दायरों में रहना चाहिए बेवकूफ़ बनने का ज़रिया ना बने यहाँ पर ज़रूरत है कि खवतन ख़ातन को खसूसा बच्चियों को शूर दें कि किसी के झांसे में ना हो किसी की मोहब्बत के दो बोल में अपनी फ़ोटोज़ न भेजो अपने आप को क़ुरबान न करो फोटोज़ के बारे में बताएँ कि ब्लैक मेलिंग का सिलसिला चल रहा है और बहुत सारी वारदातें और कत्ल की वजूहत यह ब्लैक मेलिंग भी है और खुदकुशी की वजूहत भी हैं यहां पर हमें एलानन टीवी पे प्रोग्राम्स रखने होंगे कि भाई किसी कस्म की भी नाज़ेबा फ़ोटो ख़ुद इंसान अपनी भी तनहाई में भी ना खींचे अपने लिए भी ना खींचे वजह यह है कि ये चीज़ कहीं भी जा सकती है जदी दौर है चे जाए कि किसी को भी दें किसी को भी नहीं देनी चाहिए हता शहर को क्योंकि शहर भी तो कभी जुदा हो सकता है वो भी इसको मिस यूज़ कर सकता है और शौहर का फ़ोन भी छिन सकता है और शौहर के फ़ोन से ये कहीं ना कहीं गलती से जा भी सकती है तो इस्लाम यह कहता है कि ऐसी चीजों से बचना चाहिए कि जिसमें इतनी ज्यादा कोई खतरे वाली बात हो बाज़ दफा शादियां बिल्कुल मुश्किल बना दी जाती हैं वो भी गलत है और बाज़ दफा शादियां ऐसी बना दी जाती हैं कि लड़की करना चाहे तो कर नहीं सकती अब यहां पर हम मिसाल दें अल्ला सुबहाना ने इंतब किया था मौला सलाम के लिए हजरत फातिमा सलाम का लेकिन इसके बावजूद भी रसूल अलैहि वसल्लम ने क्योंकि ये शादी जमीन पर हो रही थी तो आकर जनाब सैदा से इजाज़त ली थी मौला आमिरल्लाम ने हजरत जैनब सलाम से इजाजत ली थी तो माँ बाप को भी इजाजत लेनी है इजाजत दुल्हन बनाने के बाद कार्ड छपने के बाद नहीं होती इसी तरह से लड़कियों को या लड़कों को बाज दफ़ा माँ बाप शादियों के लिए मजबूर करते हैं तो मजबूर नहीं करना चाहिए कन्वेंस करना चाहिए काउंसलिंग करनी चाहिए अगर बच्चे ग़लती कर रहे हैं और याद रखें कि शादियां कामयाब उस वक्त होंगी कि जब उनकी भी इसमें मर्जी होगी और अगर बच्चे गलत शादियां कर रहे हैं तो उनसे लड़ना नहीं चाहिए बल्कि काउंसलिंग करना चाहिए फिर हम देखते हैं कि तलाक़ें जो हैं बाज़ दफ़ा इतनी आसान हो गई हैं कि बहौल आसमा जहांगीर के अब मुमकिन है वो कह दें कि जी हम आसमा जहांगीर के तरफदार हो गए या फॉलोअर हो गए नहीं एक बात उनकी अच्छी है तो अच्छी है और जो बुरी बात है वो उनकी बुरी बात होगी खैर अल्लाह उनकी मफ़रत फरमाए वो हमारे दरमियान नहीं रहीं उनकी एक बात ये थी कि ये क्या चीज़ है कि खातून की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया जाता है ये कह के ताख़ ताख ताख ये लो बत्तीस रुपये आठाने यानी पंजाब के बाद इलाकों में बत्तीस रुपये आठाने का रिवाज था महर का और पता चला कि 50 साल के बाद एक खातून को घर से निकाल दिया ये लो बत्तीस रुपए आने वन क्या ये इस्लाम है तो जवाब मिलेगा वाकन ये इस्लाम नहीं है और इस कस्म के कवानीन को इस्लाम के नाम पे यूज़ करना दो, दोहरा जुर्म है एक इस्लाम को बदनाम करना और एक किसी पर म करना दूसरी जानब हम देखते हैं कि अगर कोई तलाक लेना चाहे तो वह तलाक ले नहीं पाती उसे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और दीनदार लोग भी जो हैं एक तरह से तंग करते हैं तो ना ऐसा हो कि तलाक बिल्कुल ताख ता और ना ऐसा हो कि औरत दरबदर हो जाए और शोहर ब्लैकमेल करता रहे वो घरों में काम कर रही हो पिट रही हो और शोहर को लाके पैसे दे रही हो और शोहर नशा कर रहा हो जायदाद के बारे में एक बात रह गई थी बताए हर चीज के जो बाप ने छोड़ी है चाहे वो घर में कुछ रखा हो क्रॉकरी हो या कटलरी हो हत्ता रद्दी पेपर हो चाहे उसके कारखाने या ऑफिस में जो कुछ रखा हो हत्ता पेंसिल अरेजर भी उसमें भी लड़कियों का हिस्सा है और हता पेंसिल अरेजर को भी बेटे यूज नहीं कर सकते बहनों की इजाजत के बगैर और यह भी याद रहे कि इजाजत जबरदस्ती नहीं होती और यह भी याद रहे कि कमसिन और नादान बच्चों से कि जो माल की हैसियत को नहीं समझते उनकी इजाज़त भी फ़ायदा नहीं रखती लिहाजा अगर किसी की बहन पंद्रह सोलह साल की हो और भाई कहे कि अब्बा ने छोड़े हैं इतने करोड़ तुम्हारा इतना हक बनता है क्या मैं ले लूँ तो यहाँ पर इस्लाम कहता है कि इस इजाजत का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इस कस्म के बच्चों को या खातन को माल के बारे में इल्म नहीं है शूर नहीं है माल की हैसियत का अंदाज़ा नहीं है हाल ही में इंडिया में एक बच्ची ने जिसका नाम आयशा था उसने खुदकुशी की अल्लाह उसकी मफफरत फरमाए और मौजू क्या था जहेज़ ये ऐसा मौजू है इसे भी कंट्रोल होना चाहिए और मर्दों को गैरत दिलानी चाहिए लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मर्द जहेज़ मांगते हैं या मर्दों की बहनें और माएँ भी इसमें शरीक होती हैं तो पता चला कि यह मामला मर्द और, और, और औरत का नहीं है ये मामला माशरे का और बेहसी का और जहालत का है घरों में काम पे बाज़ बाज़फ़ा तशद्द होते हैं इस्लाम का वाज हुकुम है कि ख़वातीन से ज़बरदस्ती घर का, का काम नहीं कराया जा सकता इसी तरीके से खवीन से उन्हीं के बच्चे यानी हमारे बच्चे जो कि जिस खातून से हैं उन बच्चों का काम भी ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता फ़क्त दरख्वास की जा सकती है उन बच्चों को भी दूध नहीं पिलवाया जा सकता फ़कत ये कहा जा सकता है कि पिलाओ और शुक्रिया लेकिन अगर खातून कहे कि मुझे घर के काम की भी उजरत दो या दूध पिलाने की उजरत दो और शौहर के पास हो तो देना वाजिब है और ना हो तो खातून कह सकती है जब रिटायर हो तो मुझे उसमें से इतना देना ये हैं खुवाियों के एक वाक़ आपके सामने बयान हो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मौला मौलानमौमी ने जनाब सैदा से मिलने के लिए आए तो क्या देखा कि दोनों मिलके बड़ी मोहब्बत के साथ चक्की से आटा पीस रहे हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से कौन ज़्यादा थक गया है तो मौलान मरमौनी ने शफक्त फरमाई और कहा कि फ़ातमा रसूल अल्लाह सल वसलम ने हुक्म दिया जनाब सैदा को कि तुम उठ जाओ तो जनाब सैदा उठ गई और फिर रिवायत में नकल हुआ कि रसूल सल वसल् और मौरा अमिरमी आल्लम ने मिल के चक्की से आटा पीसा बस ये जो मशहूर है कि मर्द अगर घर का काम करेंगे तो उनसे तलवार नहीं उठेगी और मर्दानगी पे असर आएगा ऐसा कुछ नहीं है मर्द अगर बीवी की खिदमत करता है तो सवाब है बीवी खिदमत करती है तो सवाब है ज़बरदस्ती कहीं पर भी नहीं की जा सकती इसी तरह से बेटी बाप की खिदमत करे तो स्वबाव है बाप अगर बच्चों की या बेटियों की खिदमत करे तो स्वबाब है बेटियों का बहुत ज़्यादा एहतराम है, है इसी वजह से रवायात में नकल हुआ कि जब बाप तो जब भी घर में आए तो कुछ ना कुछ लेके आए और जब आए तो पहले बेटियों को दे और बेटियों में अगर किसी का नाम फातमा है तो सबसे पहले उसे दे चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो क्योंकि रसूल अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते हैं हज़रत फातमा सलाम के नाम से और जिक्र से पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में देखा जाता है कि घरों में बच्चे काम कर रहे हैं बच्चे चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों इनके काम को बंद होना चाहिए अब यहाँ पर हम तोज्ह दिलाएँ कि वो खुातन के जो अपने आप को बहुत मॉडर्न समझती हैं और मुमकिन है कि इन जल्सों जुलूस में नारे भी लगा रही हूँ उनसे सवाल किया जाएगा कि आपके घर में कोई बच्ची काम कर रही है ये आप में से और हम में से हर हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वीडियोज़ जा देखें और उन वीडियोस में अगर कोई आपकी रिश्तेदार खातून हो और उसके घर में कामवाली पे जुल्म हो रहा हो तो उसको कहें कि पहले अपने घर से इस कामवाली पे जुल्म ख़त्म करो अगर उसके घर में कोई बच्ची हो गांव देहात की कि जिसके बाप ने उसको ला छोड़ दिया है और वो ालिम बाप इस बच्ची की कमाई खा रहा है और उसे कोई परवाह नहीं है इस बच्ची के साथ क्या हो रहा है उसको किस तरह से उसका इस्तेसाल हो रहा है जहनी एतबार से जिसमानी एतबार से और जिनसी एतबार से उसको सिर्फ पैसों से मतलब है तो सवाल यह पैदा होता है कि जिनके घरों में छोटी छोटी बच्चियां काम कर रही हैं मान लिया कि जी उन्हें आप खाना अच्छा दे रहे हैं मान लिया उनके साथ कोई आप जिनसी ज्यादती नहीं कर रहे लेकिन इतना काम जो उन पर डाला जा रहा है कि आप ये पसंद करते हैं कि इतना काम आपकी बच्ची पर डाला जाए और अगर आपके घर में बच्ची है तो आपको हक क्या पहुंचता है हकूक़ नस्वा की बात करने का आप सारी दुनिया में हकूक नस्वा का पैगाम पहुँचा रही हैं घर में बैठी हुई काम वाली को तो हक नहीं दे पा रही तो चाइल्ड लेबर बंद होना चाहिए और खसूस बच्चियों के घरों में रखने पर इन इस कस्म से पाबंदी होनी चाहिए यह जिम्मेदारी है हम में से हर फर्द की कि जब देखें कि किसी गाड़ी में एक बच्ची इंतहाई ज़िल्लत के साथ बैठी है उसके कपड़े भी ख़राब हैं तो अमर बिलमूफ के तौर पर हम में से हर फर्द कहे शेम शेम तब जाके मसला ख़त्म होगा अब एक मौजू के खुतिन को ब्लैक मेल किया जाता है तो यहाँ पर हम उन्हें शूर दें और लोगों को जो भी ब्लैक मेल करें किसी को भी ब्लैक मेल करे किसी इंसान को भी ब्लैक मेल करे उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए आखिर में हम तवज्जो दिलाएं कि जो मौजू आखिरी नहीं है बहुत अहम मौजू है एक ये कि पाकिस्तान में तेज़ाब फेंका जाता है इंडिया में भी वाकयात हुए हैं लेकिन यहाँ पर अर्ज़ करें कि बस खवीन ही उन खातन को मिसयूज़ कर रही हैं उनका इलाज नहीं कराती उनके नाम पर डोनेशन जमा करती हैं यह खुद एक जुल्म है और जिसने भी तेज़ाब फेंका है उसको निशान इबरत बना देना चाहिए बेहतरीन उसको सज़ा देनी चाहिए कि जो बिलाशक माशरे के लिए बेहतरीन होगी आखिर में एक मौजू की जानब तवज्जो दिलाएं कि खातिन पर जिनसी तशद कि जैसे हमारे माशरे में कहा जाता है इज्जत लुट गई तो ये लफ्ज़ बिल्कुल मुनासिब नहीं है इज्जत उसकी लुटती है कि जो अल्लाह के फरमान की मुखालफत करता है यानी अगर किसी को भी बरहना कर दिया जाए हम में से किसी मर्द को कर दिया जाए तो हमारी इज्जत गई हम में से किसी की तस्वीर जो है वो लगा दी जाए तो हमारी इज्जत रुट गई नहीं जिसने अखलाकी से से और दीनी अल्लाह की मुखालफत की इस उसकी इज्जत रुटी है अब किसी लड़की के साथ अगर ये हो तो पहली बात यह है कि जिसने किया है उसको एक निशान इबरत बना देना चाहिए दूसरी बात यह कि ऐसी लड़कियों को हमें किसी कस्म की ऐसी निगाह से भी देखना कि जिसमें उनको जिल्लत महसूस हो गा है ऐसी लड़कियों को हमें चाहिए कि अपनी और लड़कियों की नस्बत ज़्यादा उनका साथ दें और उनको बताएं कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और उनको बताएं कि तुम में और दीगर लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है खुदा व तआला से दुआ है कि हम सबको तौफीक ख़ता फरमाएँ कि तमाम इंसानों का और इंसानियत का एहतराम करें और तमाम मजलूमों का साथ दें और खसूस जहाँ जहाँ ख़वात पर म हो रहा है उन्हें उनका हक़ दिलाएँ लेकिन हक़ दिलाने के लिए ऐसा कल्चर बनाएँ कि जिसके बाद उनको हक़ मिले ना ये कि उनकी बेज़ती हो और वो हकूक़ दिलाएँ कि दिन के जिसके बाद दुनिया में उनका मकाम और बुलंद हो ना ये कि वो मर्दों के हाथ का खिलौना बन जाएँ वसल महदम